नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकास फिटनेस गाइड में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं कि आपका आपका अगर हेयर फॉल होता है तो आपको अपने हेयर फॉल को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप उनको कैसे आप कम कर सकते हैं, ये सवाल मुझसे बहुत से लोग, आपको मैं आज सिंपल सा तरीका बताऊंगा आप अपने बाल झड़ने को कम कर सकते हैं। देखो दोस्तों, गारंटी तो मैं भी नहीं दूंगा कि डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता है कि अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं बाहर से, आप कुछ भी आप कराते हैं दोस्तों, कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देगा कि आपके बाल वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आप चाहे आप अपनी सर्जिकल कराते हैं हेयर के, या कुछ भी आप कराते हैं, या एलोपेसिया ट्रीटमेंट आप कराते हैं अपने हेयर लॉस के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल से। दोस्तों, आपने मार्केट में एक ब्रांड देखा होगा जिसका नाम है मिनी ऑक्सीडिल। अगर आप मिनी ऑक्सीडिल, एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें आता है, इसमें अर्जेनाइन सप्लीमेंट आता है, इसके अंदर स्पेशली डाला गया है। कहते हैं कि दोस्तों उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अलावा वो बॉडी में, अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड को रात में लगा के सोते हैं अपने हेयर्स के अंदर, उससे पहले अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप अपने बालों को छोटा छोटा करवा लें, ताकि अपने हेयर फॉल जो है, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, अपने बालों का साइज थोड़ा कम करा लें, मतलब उनकी बालों की कटिंग करवा के आप उनको कट करा के छोटे छोटे करवा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने हेयर फॉल्स के अंदर, हेयर फॉल होने के हो रहा है आपको, तो आपको अपनी मिनी ऑक्सीडिल जो है, अपने रात को अपने बालों में लगाना है, उसको डुबोना है आपको अपने उसमें मेडिसिन में, और लगा के अपने बालों पे आप इस तरीके से आप उसे लगा सकते हैं। इससे अगर आपको कम से कम 3 मंथ्स तक तो आपको मिनिमम यूज करना है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हैं, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। और ध्यान रखें कि अपने माथे पे और यहाँ कहीं नहीं लग जाए, अगर यहाँ पे कहीं और लगे तो हो सकता है तो यहाँ भी आपके बाल आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उस पर ऑलरेडी ये कॉशन दिया होता है, यूज कॉशनलीस, है ना, क्या कहते हैं, जो भी है आपको यहाँ नहीं लगाना है, इधर नहीं लगाना है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा और आप जो आप बी विटामिन, जो मल्टी विटामिन आता है, स्पेशली बी फैमिली के जो विटामिन है, जैसे कि B12 है, B6 है, फॉलिक एसिड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, बायोटीन है, तो इन सब का यूज आपको डेली करना है। और अपने खाने में थोड़ा नेचुरल प्रोटीन इंटेक आप इंग्रेडिएंट अपने खाने में बढ़ाइए, जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, मतलब वीक में 1 डे चिकन बहुत होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाने की कोई जरूरत नहीं है। और एग आप रेगुलर इंटेक रख सकते हैं, थोड़ा सा मिल्क है, कर्ड है, सब थोड़ा अपने डाइट में थोड़ा ऐड कीजिए, ताकि इसमें आपको जिंक मिले। इसके अलावा शैम्पू डेली बिल्कुल भी ना करें। शैम्पू जो है वीक में आप एक बार कर सकते हैं, नेचुरल शैम्पू थेरेपीज कर सकते हैं, अपने बालों में आप कर्ड को यूज कर सकते हैं, या बटर मिल्क से अपने बाल धो सकते हैं, इससे आपके बाल बहुत मुलायम हो जाएंगे दोस्तों। और एक कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप कर्ड में नींबू डाल के अपने बालों में आप लगा सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा डेंड्रफ के अंदर, क्योंकि कर्ड एक ऐसा एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी योगर्ट, जो ऐसा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, जो कि आपके बालों को डेंड्रफ फ्री करने में आपकी हेल्प करता है, और आपको आपके गंजेपन में भी थोड़ा हेल्प करेगा, आपके बालों में ऑक्सीजन सप्लाई करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू दोस्तों, दिस इज विकास, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।